ऑलराइट गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक गाइस? आज हम गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है? आज हम लोग एक गेम की प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। जो आज ही हमारी गेम है उसका नाम है किलर क्लाउंस फ्रॉम आउटर स्पेस। इस गेम के जो डेवलपर हैं वो टेलीविजन गेम्स है। ये गेम बेस करती है 1980s की एक कल्ट आइकॉनिक मूवी पे। माय ब्लॉक ऑफ व्हाई क्लाउंस गाइस, अभी तक जो इन्होंने ट्रेलर रिवील किया है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये किस्सा का ट्रेलर है। ये बिल्कुल उसी मूवी की तरह का ट्रेलर है, ठीक है? उन्होंने स्टार्टिंग इंट्रो में उसी तरह से मूवी दिखाई है और उसके बाद उन्होंने क्लाउंस को रिवील किया है कि लोग पहले बड़े आराम से सो रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, उसके बाद ये क्लाउन पति कहाँ से आ टपकते हैं और उसके बाद वो इस शहर के अंदर आके तबाही मचा देते हैं। गाइस, ये गेम 3v7 होगी और ये मल्टीप्लेयर गेम है। इसके अंदर आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों ने ह्यूमन टीम लेनी है या फिर हमने क्लाउन टीम लेनी है। ये इस गेम का सबसे मजे का फीचर होगा। एक साइड पे वो लोग होंगे जो से क्लाउन से बच रहे होंगे और उन्होंने एक सिटी से उन्होंने निकलना किसी ना किसी तरीके से, और दूसरी टीम जो सी होगी जो कि क्लाउंस की टीम होगी और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी और उन्होंने इनको इस सिटी से बाहर नहीं जाने देना। और इसके अलावा इसके अंदर जो बहुत मजे की चीज़ है, इसमें आप अपनी मर्जी से क्लाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से करेक्टर्स को, जो ह्यूमन करेक्टर्स हैं, उनको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको आप अपनी शक्ल दे सकते हैं। ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो आप आराम से आप किसी भी 1GB और 2GB के ग्राफिक कार्ड के ऊपर ये गेम बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। अभी तक इसका एक छोटा सा गेम प्ले रिवील हुआ है, जैसे कि ये गेम प्ले है इसका। तो गाइस, सबसे पहले हम इस गेम के क्लाउंस की बात करते हैं, इस गेम के जो जोकर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। बिग टॉप, बिग शूज एंड बिग ट्रबल्स। जोकर में सबसे पहले जो हमारे पास क्लाउन आ रहा है वो स्काउट है, जंबो। अगर इसकी नजरों के सामने आ गए तो समझो गए। इसकी शक्ल देखो, तरह इसकी शक्ल देखो, नीला पीला कद्दू की तरह की इसकी शक्ल है। ग्रीन कलर के बाल है, मुझे उल्टी आ रही है इसके बालों की तरफ देख। ये उंगली से बुलाता है, ठीक है? ये जब गन से शॉट करेगा उसके बाद उंगली से ऐसे बुलाएगा और उसके बाद दाड़ करके मारेगा हथौड़ा और उसके बाद बंदा खत्म। सो इससे बचना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लाउन है वो द फाइटर शॉर्टी है, ठीक है? वैसे तो इस गेम के अंदर बहुत सारे वैरायटी क्लाउन्स आपको मिलेंगे, मगर ये क्लाउन जो सा है ये एक बहुत ही छोटा सा, नहीं है साइज का, बहुत छोटा सा कोडू सा, बड़ा फैसिनेटिव सा क्लाउन है ये भी इन्होंने जो बनाया है, मगर ये बहुत खौफनाक है। ये जितने सिली लगते हैं मगर उतने सिली है नहीं। ये एक बॉक्सर जोकर है। जो इसके पास गन है वो C4 लॉन्चर कॉटन कैंडी टाइप की गन है, ठीक है? जिससे बचना बहुत मुश्किल है। अगर इसने किसी ह्यूमन को हिट कर लिया तो वो वहीं पे कॉटन कैंडी बन जाएगा और उसके बाद जाके ये उसको पकड़ सकता है। इसके अलावा इसके पास और क्या चीज़ है, ये पिज्ज़ा के बॉक्सेस से निकल सकता है, ये आपको एक छोटी सी अपनी ट्राईसाइकिल के ऊपर भी जाके पकड़ सकता है और भाग के भी पकड़ सकता है, इसलिए इससे बचना बहुत मुश्किल है। एक तो साइज में बहुत छोटा है और ये एकदम से गुम भी हो जाता है। वाओ, वैसे शक्ल से लगता नहीं है ये बॉक्सर, शक्ल से ऐसा लगता है इसको एक मुक्का पड़े ना तो ये उधर ही ढेर हो जाएगा। सो गाइस, जो हमारे पास डेक्स क्लाउन है वो बहुत ही मजे का है, ठीक है? इसका नाम है द टैंक चबी। ये खाली शक्ल से ही टैंक नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से जैसे एक टैंक है, दीवारें तोड़ के निकल आएगा ये, कहीं से भी निकल आएगा, जमीन फाड़ के निकल आएगा, आसमान चीर के निकल आएगा, ये कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है? इसका भरोसा नहीं करना। और मुझे लग रहा है कंपनी ने अभी तक गेम प्ले रिवील किया है उसके मुताबिक ये ऐसा ही है, ठीक है? ये बहुत खतरनाक होने वाला है। साले मोटे, तुझे मैं सूआ मार के तेरी सारी भूख निकाल दूंगा। मोटा, देख से शक्ल कैसी है इसकी। गाइस, जो नेक्स्ट क्लाउन है ये बहुत ही खौफनाक किस्म का, इसकी शक्ल देखो और इसके हाथ में जो गन है ये गन बहुत ही ट्रिकी गन है और बहुत मजे की भी है। ये पॉपकॉर्न फेंकती है ये ह्यूमंस के ऊपर पॉपकॉर्न फेंकेगी और वो पॉपकॉर्न्स जो से होंगे वो चिपक जाएंगे उन ह्यूमंस के साथ। स्पाइकी एक बहुत जबरदस्त करेक्टर होने वाला है इस गेम का और आई नो कि ये एक फेवरेट प्लेयर होगा सबका। अबे ये क्या है, हरा पीला नीला लाल स्पाइकी? इसके बाल तो देखो, इसके बाल भी ऐसे हैं स्पाइक्स कांटों की तरह के इसके बाल हैं। इसकी शक्ल भी देखो, इसकी शक्ल से ही बड़ा ना ये तेज और चलाक और कमीना से लग रही है, खेल के देखेंगे इसके साथ। गाइस, जो नेक्स्ट क्लाउन है उसका नाम है ट्रैपस्टर रूडी। ये प्लेयर भी एक बहुत फेवरेट होगा
और ये अटैकर साइड के लिए बहुत अच्छा प्लेयर होगा। मुझे लग रहा है कि रूडी एक ऑफेंसिव प्लेयर होगा, जैसा कि ये लग रहा है इसके कपड़ों से, ठीक है, जिस तरह के इसके कपड़े और रेड इसकी शक्ल देखो, ये जितना लाल गुलाबी लग रहा है ना, ये उतना ही आराम से नजर भी आ जाया करेगा। इसके पास कुछ बॉम्ब्स होंगे, इसके पास कुछ माइंस होंगी, ठीक है, जो कि पॉपकॉर्न टाइप की होंगी। रोती हुई शक्ल है इसकी, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इसको किसी ने चपेड़े मारी हैं, और ऐसा लगता है इसके हाथ से किसी ने खिलौना छीन लिया और रो रहा है। ये तो थी हमारी 5 क्लासेस क्लाउन्स की। इनके अंदर से हम कोई भी क्लाउन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, और अपना फेवरेट क्लाउन चुन सकते हैं, और उससे हम खेल सकते हैं, और उससे हम ह्यूमंस का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन क्लासेस में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं। गाइस गाइस गाइस, जो हमारे पास ह्यूमन की सबसे पहली क्लास है, ठीक है, वो टीन है, और सेकंड क्लास में हमारे पास पंक्स हैं, थर्ड क्लास जो हमारे पास है वो कॉप्स की है, और जो फोर्थ क्लास है वो हमारे पास रेडनेक्स हैं, और फिफ्थ क्लास और लास्ट क्लास हमारे पास बाइकर्स हैं। हर क्लास की एक अपनी वीकनेस है, हर क्लास की एक अपनी स्ट्रेंथ है। आप लोग को एक टीम बना के चलना होगा। अगर आप एक अच्छी टीम बना के चलेंगे तभी आप इन अजूबों से जीत सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों के पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। गाइज, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों को मजीद अपडेट्स दूं और मजे मजे की अपडेट्स दूं। गाइज, सब्सक्राइब माय वीडियो फर्स्ट, नो, अभी करो सब्सक्राइब, अभी के अभी, अभी 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 करो। गाइज, वीडियोस देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। सी यू लेटर।